एक जलाशय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वास करते थे। सुनसान जलाशय में ये जीव जंतु खुशी खुशी वास करते थे, लेकिन एक कहावत है, जहाँ पे शिकार वहीं पे शिकारी। इस जलाशय के किनारे किनारे बकुले ने वास पर रखा था। मछली, मेंढक इत्यादि जो अपने मन की खुशी खुशी घूमते थे, वो लोग उसको पकड़ के खाते थे। इन लोगों में एक बकुला बूढ़ा था। बहुत उम्र हो गया है मेरा, पूरे दिन में एक भी शिकार नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बचने के लिए तो खाना होगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगा के होशियारी से शिकार करना होगा। अन्य मामा, तुम नो क्यों रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों आज खाने को नहीं मिला है क्या आपको कुछ? हाँ बताइए। हाँ भांजे, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं खाना त्याग कर दिया हूँ, अनशन पे हूँ, मैं अब कोई मछली नहीं खाता। मामा, आप शाकाहारी बन गए, इसका वजह क्या है बताइएगा? तो फिर सुनो, मैं इस जलाशय के पास जन्म लिया हूँ और यहीं पे अपना जीवन बिता के बुढ़ा हुआ हूँ। सुना हो कि आज से 6 साल तक बारिश नहीं होगी, ये जलाशय सूख जाएगा, क्या होगा सबका? इतनी खतरनाश की बात कहाँ से सुने हो मामा? दो बकुले के पास से सुना हूँ मैं। मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो उम्र हो चुका है, चिंता है तो तुम सब की। तुम लोगों के साथ इतना दिन बिताया हूँ मैं, कैसे देखूँ तुम लोगों को मरते हो? अरे मामा, अब क्या बता दिए, जा रहा हूँ, क्या बोलूँगा, जाके जलाशय में सबको बताता हूँ ये बात। अरे अरे, चुप रहो चुप रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ, शोर मचाने से क्या फायदा, दिमाग को ठंडा करके सोचो क्या कर सकते हैं। वरना चलो उसी बकुले मामा के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता हम लोगों के लिए ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? चलो चलो। बकुला मामा, आप ही हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, वरना हम लोग पानी के बिना मर जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता। कोई ना कोई उपाय तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, हम लोग को बचाओ। एक उपाय है, इस जलाशय से थोड़े से दूर में एक नदी है जिसका पानी सालों तक नहीं सूखता, बारिश हो या ना हो, वही पे तुम सबको ले जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन ये कैसे संभव है, हम लोगों का तो पंख नहीं है जो हम लोग उड़ के जाएंगे, पहाड़ के ऊपर से कैसे जाएंगे? हाँ वो सब क्या मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मैं हूँ ना, रोज एक एक को मैं अपने कंधे पे बिठा के पहुँचा दूंगा मैं, बताओ तुम लोग। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं तो बुरा हो चुका हूँ, एक साथ मैं सबको नहीं ले जा सकता हूँ, इसीलिए मैं रोज एक एक को ले जाऊंगा, मुझ पे विश्वास है। बातों के अनुसार बकुले मामा ने रोज एक एक को लेके जाना शुरू किए। मामा, जलाशय कितना दूर है? हाँ हाँ, आ ही चुका है बेटा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, नीचे उस पत्थर पे जाके थोड़ा आराम कर लेता। लेकिन मामा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगा।
अब कहा जाएगा तू? मामा, नहीं मामा, बचाओ बचाओ। हाँ हाँ, बकुले मामा ने रोज रोज एक एक को ले जाना शुरू किए और बड़े ही आनंद से खाना शुरू कर दिए थे। और एक दिन लेके उड़े केकड़े को अपने साथ। मामा, डला थे कितना दूर है ओल? ज्यादा दूर नहीं है ओल। मामा, इतने दिनों बाद हम लोग फिर से एक साथ लहेंगे, कितने आनंद से। उससे पहले मैं तुझे खा के अपने मुंह का स्वाद बदलूंगा। बहुत दिन से मछली खा खा के बोर हो गया हूँ। मैं थक गया हूँ। नीचे उस पत्थर के ऊपर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अले, ओ थप क्या है मामा, लेकिन जलाशय नहीं दिख रहा है। हाँ, जलाशय मेरे पेट में है, अब मैं तुझे उसमें डालूंगा। लेकिन मैं तो ये तो होने नहीं दूंगा। यह क्या नकुल, तुम्हारे दिए गए हिसाब से मेरा हिसाब नहीं मिल रहा है। 4,000 रुपए की गड़बड़ी देख रहा हूँ। प्रजा में किसी को उधार दिए हो क्या? ना माने राजा को कर दिए हो? ना माने बोल रहा, ना माने राजा को कर नहीं दिए, प्रजा को ऋण नहीं दिए, तो पैसे गए कहाँ हैं? पैसे के क्या पंख हैं, उड़ गए? ना जमींदार महाशय, असल नकल मैं कुछ नहीं समझता, समझे? तुम 4 दिन के अंदर मेरे 4,000 रुपए ला कर दोगे, मुझे विशेष जरूरत है। एक बार गोपाल के पास चलूं, देखें अगर कोई उपाय निकाल दे। अच्छा नकुल, तुम इस 4 दिनों में खजाने से कितने रुपए चुरा सकते हो? यही लगभग और 5,000 रुपए। पहले तुम मुझे रुपए ला कर दो, फिर मैं सोचूंगा तुम्हें कैसे बचाया जाए, समझे? ठीक है गोपाल, जब तुम मुझे अवैध दान दे रहे हो तब मुझे कोई चिंता नहीं है, आ रहा हूँ। यह लो गोपाल, तुम्हारे कथनानुसार मैं 5,000 रुपए लाया हूँ। दो, अब तुम 2-3 दिनों के लिए कहीं छुप जाओ, 2 दिन बाद मुझसे इसी समय यहीं आकर मिलना। ठीक है गोपाल भाई। जमींदार महाशय, सर्वनाश हो गया। क्यों, क्या हुआ है? हिसाब में 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। इधर नकुल का भी कुछ पता नहीं है, तो उसकी खोज में चारों ओर गुप्तचर भेजो। जहां भी उसे जिस अवस्था में पकड़ो उसे लेकर आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी जमींदार बाबू। गोपाल तुम? जी हाँ जमींदार जी, मैं गोपाल हूँ, नकुल के लिए आया हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बोलना है। नकुल के रिश्तेदारों ने मिलकर यह 3,000 रुपए इकट्ठा किए हैं, अब आप ही फैसला करें कि इस पैसे को लेकर नकुल को माफ कर दीजिएगा या फिर खजाना चोरी करने के जुर्म में सजा दीजिएगा। क्या बोलते हैं तहसीलदार? मेरे मतानुसार नकुल से 3,000 रुपए लेकर उसे छोड़ देना चाहिए। सोच कर देखिए जमींदार महाशय, 9,000 रुपए के नुकसान से अगर 3,000 रुपए कम हो जाए तो कम नुकसान होगा। ठीक है, तब रुपए जमा करो। ये लीजिए जमींदार जी। नकुल को तो मैं इस समय छोड़ दिया, लेकिन भूल कर भी वह इस इलाके में दिखाई ना दे। ये भी कोई बोलने की बात है? ठीक है मैं चलता हूँ। यह लो नकुल, तुम्हारे हिस्से के 1,000 रुपए। जमींदार की नौकरी तो छूट गई, अब यह पैसा लेकर कोई काम करो और अपने परिजनों को देखभाल करो और नशा को त्याग दो, समझे? तुम्हारी बातों का मैं सम्मान करता हूँ गोपाल भाई, लेकिन क्या एक बात पूछूं तुमसे?
बोलो ये 1000 रुपए तुम कहाँ से पाए? ये सब बुद्धि का खेल है। तुम्हारे दिए हुए 5000 रुपए में से 3000 दे दिया जमींदार को, जिसके फलस्वरूप आज तुम मुक्त हो। और तुम्हें मुक्त कराने के लिए दक्षिणा 1000 मैंने ले लिया और बचा 1000 तुम्हें दे दिया। सचमुच गोपाल भाई, तुम्हारी बुद्धि विलक्षण है। मैं तुम्हें महान मानता हूँ। तुम महान हो। एक वन में एक लोमड़ी रहता था। उसका नाम सुनकर आप लोग तो समझ ही सकते थे कि वो कितना चतुर होगा। अरे बिन बादल बरसात, इतना बड़ा मरा हुआ हाथी कौन लेके आया है? जाने दो, बहुत दिन से केकड़ा खा के मेरा मुंह स्वाद बिगड़ गया है। जाने दो, आज हाथी का मांस खाऊंगा। हाँ लेकिन तो ये तो बूढ़ा हाथी है, इसका तो चमड़ी नहीं उधेड़ पाऊंगा, क्या करूँ? हाँ वो रहा आ रहा है। हेलो सर, आपके लिए इस हाथी का पहरेदारी कर रहा हूँ। आप खाएंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं किसी और के मरे हुए जानवर को नहीं खाता हूँ। तुम इसे खा सकते हो। ओके सर। मुंह के पास निवाला है फिर भी खा नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? खा नहीं पाऊंगा क्या? एक और आ रहा है, चलो उसको जाके बोलता हूँ कुछ करने के लिए। पर ना मामा। क्या बात है भंजे? मामा ये बताइए, आपको जाने के लिए कोई जगह नहीं थी? एक ही बार यमराज के पास आ गए। तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। अरे इस हाथी को मार कर शेर नहाने गए हैं और हमको बोले हैं कि इस हाथी की रखवाली करना। पता है मामा, हर बार ऐसी करते हैं, हाथी को मारते हैं और नहाने जाते हैं। बोले हैं कि अगर कोई शेर आए तो मुझे बताना, मैं उसे मारूंगा। वो कह रहे थे सारे बाघों को मार कर मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। चले जाइए। भंजे मैं यहाँ पे आया था, ये बात शेर को मत बताना। दो तो भाग गए, अब क्या करूँ? हाथी का चमड़ा निकालू कैसे? एक और आ रहा है उधर से, उसको फंसाता हूँ। हेलो मामा जी, सुनिए, पता है आपको शेर राजा हाथी को मार के गए हैं नहाने। नहाएंगे, यज्ञ करेंगे, फिर आके हाथी का मांस खाएंगे। एक काम कीजिए, आप इसमें से कुछ मांस खा लीजिए, मैं पहरा दे रहा हूँ, और शेर के आने से पहले खा के भाग जाइएगा। मैं जिंदा रहूँगा तो बहुत मांस खा पाऊंगा, लेकिन शेर से पंगा नहीं लूंगा, मैं चलता हूँ। हाँ। ओहो मामा, एक काम करो, मैं पहरा देता हूँ, अगर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक इस हाथी में से कुछ खा लो, उसके बाद चले जाना। ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ, लेकिन शेर आए तो बता देना। भागो भागो, शेर आ रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब पेट भर के खाने जा रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो मेरा खाना है। अरे ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ पे नहीं था। चल निकल। अब हमारा गोपाल। जय महाराज का जय हो। जय महाराज की जय हो। जय महाराज की जय हो। दशहरा और दीपावली के शुभ अवसर पर 4 दिनों का छुट्टी है। 4 दिन राज्यसभा बंद रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 दिन छुट्टी रहेगा, 4 दिन घर पे आराम करेंगे। बहुत दिन बाद छुट्टी मिला है, बहन के घर जाऊंगी। इस 4 दिन की छुट्टी में मैं ससुराल जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे और बहुत मजा करेंगे। क्या बात है 4 दिनों का।
आज सभा समाप्त किया जाए। जय महाराज कृष्ण चंद्रका जय हो। जय महाराज कृष्ण चंद्रका जय हो। कल से दशहरा शुरू है, उसके बाद दीपावली, भैया दूज। बहन अपने बच्चे कच्चे लेके आएगी, उससे पहले कुछ तैयारी करना होगा। ये गोपाल का बकरा देख रहे हो? हाँ, सच में बहुत तंदुरुस्त है। इस बकरे को हलाल करके मजे से खाएंगे। क्यों रे हरी, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, इस बकरे को देख रहा था मैं। सोच रहा हूँ काली माँ को बलि चढ़ाऊंगा। ओए, फिर से दोबारा ऐसी बात किया तो तेरा जवान काट लूंगी, जा यहाँ से। पकर के पीटेगी, भाग 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 भाग। कहाँ हो, सुनती हो क्या? कहाँ हो तुम? उफ़, आ गए, आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये देखो महाराज, दीपावली में महाराज क्या क्या उपहार दिए हैं। आए हाय, कितना सुंदर है ये। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, वो देखिए मेरी बहन भेजी है आपके लिए। बहुत तंदुरुस्त है। तो फिर भैया दूज के बाद इस बकरे का बिरयानी बनाएंगे। हाँ, यही अच्छा रहेगा। ये गोपाल भैया, मैं हूँ भोला। अच्छा, रुको, आ रहा हूँ। क्या हुआ भोला, बोलो। जैसा हर साल होता है, इस साल भी होगा दशहरा, चंदा दो। लेकिन इस साल और कुछ देना होगा तुम्हें। ये लो, पूजा के लिए चंदा। हाँ, दो दो गोपाल भैया। और एक बात था। क्या बात है, बोलो। इस साल दीपावली के बाद एक बकरे का काली माँ को बलि चढ़ाएंगे। अगर आप अपना बकरा देते तो। पूजा के लिए तो मैं चंदा दे चुका हूँ, हो सके तो कुछ फल भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना बकरा नहीं दे सकता हूँ। तुम जाओ। दान करने पर काली माँ तुम पे खुश होंगी। तुम्हें कैसे पता? भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। तुम्हें श्री कृष्ण बोले हैं? तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण दर्शन दिए हैं। ये बातें तो चारों तरफ फैला देना चाहिए। हाँ, ये रहे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, सुन रहे हैं पंडित जी? क्या हुआ, क्या हुआ गोपाल? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। भोला का बात सुने हैं? क्या बात? स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन दिए हैं। ये क्या बोल रहे हो गोपाल? इस बात को सबको बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। पंडित जी, मैं किसी मुसीबत में पड़ गया। पंडित जी, सब ये गोपाल के वजह से हुआ है। क्या है गोपाल, पंडित जी जो बोले है सच है क्या? पंडित जी जो कह रहे हैं, बिना सुनकर मैं कैसे कहूँ? मैं सुना हूँ कि तुम कृष्णा का दर्शन पाए हो। श्री कृष्णा की नहीं तो? तो ये झूठे हैं। पंडित जी, मैं कब कहा हूँ कि मैं दर्शन पाया हूँ? नहीं नहीं, तुम ये बात नहीं बोले हो। ये बात तो मुझे गोपाल बोला था। गोपाल को बुलाओ। आओ गोपाल, सुना हो कि भोला तुम्हें बोला है, दर्शन पाया है। गोपाल भैया, सच सच बताना वरना ठीक नहीं होगा। भोला क्या बोला है? भोला कल सुबह सुबह मेरे घर पूजा का चंदा लेने गया था, तभी।
श्री कृष्ण ये बात बोले है। इसीलिए मैं भी यही समझा था, इसमें मेरा क्या गलती है। श्री कृष्ण ये बात नहीं बोले है, ये बात भगवत गीता में लिखा है। ऐसा हो सकता है लाला जी, मैं तो मूर्ख हूँ। ठीक है तुम अब जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। ओला क्या सच में भोला बकरा तंदुरुस्त है क्या? सच में वो क्या तंदुरुस्त है बकरा, अगर जाके देखो तो। हाँ गोपाल और उसकी पत्नी बहुत होशियार है, उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल है। देखता हूँ गोपाल और उसकी पत्नी कितना होशियार है। पहले दशहरा सही से बीत जाने दो, फिर जाऊंगा मैं उसके घर। गोपाल गोपाल कौन? गोपाल लाला जी तुमसे मिलने आए हैं। ये तो मेरा खुश नसीब है कि लाला जी खुद मेरे घर पधारे। आइए। गोपाल तुम्हारे घर बैठने नहीं आया हूँ, एक बुरा समाचार लेके तुम्हारे घर आया हूँ। कैसा बुरा समाचार लाला जी? कल जब मैं काली माँ का पूजा कर रहा था उसी वक्त काली माँ मुझसे आकर कही, 2 दिन के अंदर हमारे इस पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे, हमारे पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ। ये क्या क्यों? हम लोग ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिए हैं जो कृष्ण भगवान ऐसा सजा दे रहे हैं? मैं काली माँ से यही पूछा था लेकिन माँ मुझे कुछ नहीं बोली, लेकिन एक बात बोली है, 2 दिन के अंदर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ गोपाल। नहीं मेरा कोई अंतिम इच्छा नहीं है, तुम्हारा है। ओहो तुम्हारा या तुम्हारी पत्नी का अंतिम इच्छा नहीं है तो क्या हुआ, इन सब का तो है ना? इन लोगों का अंतिम इच्छा क्या है जो इन्हें आप मेरे घर लाए हैं? इन लोगों का अंतिम इच्छा ये है कि ये लोग मरने से पहले बकरे का बलि चढ़ना चाहते हैं। इन लोगों को बलि चढ़ना है तो मैं क्या करूं? नहीं बलि चढ़ने से तो नहीं होता है, बलि चढ़ाने के लिए जरूरत है एक बकरे का, उसके बाद उस बकरे को माँ के चरणों में बलि देंगे, उसके बाद उसकी चमड़ी निकलना होगा। हाँ उसके बाद मुझे पता है उसके बाद उस बकरे का बिरयानी बनेगा। तो तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? मैं कोई कसाई हूँ जो मैं बलि दूंगा। ओहो तुम क्यों बलि चढ़ाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम सिर्फ एक इजाजत दे दो। इजाजत? कैसी इजाजत? तुम्हारे बकरे का बलि चढ़ाने का इजाजत चाहिए। मतलब उन लोगों का अंतिम इच्छाएं है, माँ के चरणों में ये लोग बलि चढ़ाएंगे। अच्छा ये बात है, बहाना ना करके साफ साफ बोल देते तो। लेकिन मैं इस बकरे को नहीं दूंगी। दीपावली के बाद भैया दूज है, भैया दूज में मेरे भैया लोग आएंगे, मैं अगर आपको ये बकरा दे दी तो उन्हें बिरयानी बना के मैं कहाँ से खिलाऊंगी बोलिए। नहीं 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 मैं नहीं दूंगी अपना बकरा, मैं कहाँ से लाऊंगी बोलिए, कहाँ से बिरयानी बनाऊंगी। बहुत उम्मीद लेकर आया था गोपाल तुम्हारे पास, चलो तुम सब। हाँ, चलो, चलो। लला जी आप बहुत चालाक है, आपको मैं सबक सिखा के ही रहूंगा, बिरयानी तो मैं आपको खिलाऊंगा। सुनती हो इस बकरे को यहाँ रखना ठीक नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं कुछ सोचा हूँ। क्या सोचे हैं जी? उन लोगों का अंतिम इच्छाएं पूरा करना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ चिड़िया पकड़ने। पता नहीं क्या बोल के चले गए,
कुछ समझ में नहीं आया। छोड़ो। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी मान गई। जी हाँ लाला जी, मैं अपने पत्नी को बहुत समझाया हूँ। जब सब धंस हो ही जाएगा तो क्या होगा, इस बकरे को रख कर तब जाकर मानी। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, माँ से मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम आगे चल के तरक्की करो। ये क्या बोल रहे हैं लाला जी, जब दो दिन बाद सब धंस हो जाएगा तो मैं कैसे आगे तरक्की करूँगा। ठीक है तो फिर तुम अभी जाओ, उन सब लोगों को अपने साथ लेकर सही समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है अब जाओ तुम। मैं जा रहा हूँ लाला जी। सच में भोजन बहुत स्वादिष्ट था ना? बहुत स्वादिष्ट। ये खाना मैं जिंदगी भर याद रखेंगे। जिंदगी भर नहीं, सिर्फ कल मरने से पहले तक याद रहेगा। मेरा एक अंतिम इच्छा है। क्या है तुम्हारा अंतिम इच्छा? आज रात आप लोग मेरे घर में सोइए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। गोपाल भैया, मैं तो नरम नरम बिस्तर पे सोता हूँ, आपके बिस्तर पे मुझे नींद नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों के लिए सब बंदोबस्त किया हूँ। अगर तुम लोग मेरे अंतिम इच्छा को पूरा करते तो अच्छा होता। हाँ, जरूर जरूर करेंगे। चलो चलो सब अंदर चलो, अंतिम इच्छाएं के लिए मना नहीं करते हैं। क्या बात है, सोने का बंदोबस्त बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तो अंतिम रात है। क्या बोले हैं गोपाल भैया? श्री कृष्ण तो हमारा मालिक है, उनके कृपा से ही तो सब सृष्टि है, उनके वजह से ही तो इस दुनिया में पेड़ पौधा जीव जंतु इंसान सब कुछ जन्म लिया है। डांस भी वही करेंगे, आज हमारी जीवन का आखिरी रात है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है अब तुम जाओ, हम लोग अभी सोएंगे। हाँ हाँ नींद आ रहा है। मुझे भी अब लोग सोइए, मैं जा रहा हूँ। लाला जी उठिए, लाला जी, पंडित जी उठो, भोला उठो, सुबह हो गया है। पृथ्वी धंस होने से पहले कुछ पूजा पाठ कर लो तुम लोग, उठो। कौन बोला रहा है? मैं गोपाल हूँ, उठिए आप लोग, उठिए, सुबह हो गया है। हाँ सुबह हो गया, उठो उठो उठो, सब उठो, सुबह हो गई है। घर में बहुत काम है, मेरा कपड़ा कहाँ है? हाँ सच में मेरा भी नहीं है, लाला जी की भी कपड़ा नहीं है। हाँ सच में तो गोपाल को बुलाओ। गोपाल आ रहा हूँ,
इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हमारा कपड़ा कहाँ है? वो सब नदी में बहा दिया। ये क्या क्यों? कल अब लोग सो गए थे, उसके बाद मैं सोचा कि इस दुनिया में आए हम बिना कपड़ों के, और मरने के बाद भी जाते हैं बिना कपड़े के, तो क्या होगा कपड़ा रख कर? इसलिए मैं उन सबको बहा दिए नदी में। आई आई